तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डी टू एम चैनल पे। आज की हम बात करेंगे, काफी बच्चों का रिकॉर्ड है जो पीएफएमएस पे दिखाया जाने लग गया है। यहाँ पे काफी किसी बच्चों का अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्टर दिखा रहा है, किसी का पेंडिंग दिखा रहा है, किसी का पेमेंट नॉट इंटाइटेड दिखा रहा है, और किसी का यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है, सारी जगह डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात करेंगे, आपका सेंड टू पीएफएस कब तक होगा, इसके बारे में एक अपडेट है वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो कंप्लीट देखे जिन भाइयों का हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वेरीफाई हुआ है, या उनका 40 दिन हो चुका है, 45 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सेंड टू पीएमएस नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, कब तक उनका वेरीफाई होगा, वो सारी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीएफएमएस के रिकॉर्ड के बारे में अपडेट देते हैं, पीएफएमएस का रिकॉर्ड, उसके बाद फिर हम सेंड टू पीएमएस पाएंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनका कब तक हो सकता है उसके बारे में अपडेट लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों का स्टडी लिखा जाता है, पेमेंट नॉट इनिटेड फॉर द बेनिफिशियरी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि देखो, सबसे पहले जब अगर आपका हाल ही में सेंड टू पीएफएमएस हुआ है या 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं सेंड टू पीएफएमएस, तो कुछ दिन आपका ये जो लिखा हुआ, ठीक है, आपका शो करता है, ठीक है। अब इससे आपको घबराना नहीं, इसके बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और काफी काफी स्टेटस है जो बच्चे कहते हैं, सर हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। नो रिकॉर्ड फाउंड उन्हीं बच्चों का दिखाता है जो बच्चे फ्रेश है। जो बच्चे फ्रेश है वो पीएफएमएस पे आके अपनी आईडी को चेक करते हैं और देखते हैं कि पेमेंट हमारा आगे हुआ कि नहीं। तो बच्चे फ्रेश वालों का अभी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश वालों का मेल लिस्ट बनेगा, तब जाके उनका सेंड टू पीएमएस होगा। तो फ्रेश वालों के लिए तो अभी आपको कुछ टाइम और वेट करना है। दूसरी बात कह रहा हूं कि जिन बच्चों का सेंड टू पीएमएस हो चुका है, उनका हो सकता है पिछले साल का रिकॉर्ड दिखाया जाए, ठीक है, पिछले साल का रिकॉर्ड हो सकता है उनको दिखाया जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेंड टू पीएमएस होने के 10-15 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद कोई ना कोई स्टेटस आपको अपडेट देखने को मिलेगा। या तो आपको पहले स्टेटस पेमेंट और इंटेंट फॉर बेनिफिट देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेटस आपको हो सकता है यहाँ पे पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री आपका शो करे, ठीक है, ये आपका स्टेटस शो करता है। अब ये वाला स्टेटस शो करने के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, कुछ टाइम बाद आपका होता है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री। अभी कुछ टाइम पहले स्टेटस बदला था सब बच्चों का, जिनका पेंडिंग फॉर सेक्शन अंडर मिनिस्ट्री शो करा था, अब 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, 12 दिन होने बाद उनके बाद फिर अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री उनका शो करा है। तो आपका क्या होगा, अभी मिनिस्ट्री आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगी, आपका पेमेंट को वेरीफाई करेगी, अकाउंट को वेरीफाई करेगी, उनको अगर सब कुछ सही लगता है, डेफिनेटली सब कुछ सही लगेगा ही अगर आपने कुछ गलती, तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे शो होगा अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट। अभी हाल ही के दिन में कुछ बच्चों को पेमेंट मिला था, मैं आपको पीएफएमएस का रिकॉर्ड दिखाया था, यहाँ पे 12 रुपए सेंटर सेट स्कीम का मिला है, यहाँ पे 11 जनवरी 2023 को बच्चे का पेमेंट जो है क्रेडिट हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे काफी स्टूडेंट है जिनका अभी पेंडिंग फॉर सेक्शन दिखा रहा होगा, उसके बाद फिर उनका अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री होगा। तो ये मान चलिए पेंडिंग के बाद हम जितना हमने देखा, जितने बच्चों ने टेलीग्राम में अपडेट दिया, हमें पता लगा है कि पेंडिंग के बाद अंडर प्रोसेसिंग जाने में कम से कम आपको वेट करना है 15 दिन का समथिंग, आपको वेट करना ही करना है। जिस हिसाब से अभी प्रोसेस चल रहा है एनएसपी का, कम से कम 15 दिन वेट करना है। 15 दिन से कम में भी हो जाएगा, 15 दिन से 1-2 दिन आपका डिले हो सकता है, लेकिन 15 दिन में एक्चुअल मानिए कि अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री आपका हो जाएगा। और जिस दिन अंडर प्रोसेसिंग बैंक फॉर पेमेंट आपका हो जाता है, उसके 1 सप्ताह वर्किंग डेज आप वेट कीजिए, 7 वर्किंग डेज आप वेट करेंगे, उसके अंदर अंदर ही आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इंतजार ही करना है, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, इतना इंतजार आपने कर लिया है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों का जिनका सेंड टू पीएफएमएस नहीं हुआ है, जिनका हाल ही में फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक बच्चा है देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर सेट स्कीम का, यहाँ पे 18 जनवरी 2023 को बच्चे का फॉर्म जो है वह वेरीफाई हुआ था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, आज हो चुकी 26 तारीख, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 6-7 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे का अभी सेंड टू पीएमएस नहीं हुआ। तो ऐसे काफी स्टूडेंट जिनका हाल ही में फॉर्म अभी वेरीफाई हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, मिनिस्ट्री से, ठीक है, वो चाहते हैं हमारे सेंड टू पीएमएस हो जाए, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जल्दी होना, कम से कम आपको ये मान चलिए 15 से कम से कम 25 दिन आपको वेट करना ही करना है सेंड टू पीएमएस के लिए, ठीक है, ये मान के चलिए। इससे पहले भी काफी बंदों को हुआ, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा पहले कहीं वीडियो में, जिसका 17 दिन में हो गया, किसी का 15 दिन में हो गया, किसी का 12 दिन में हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेज वाइज डिपेंड करता है, वेरी करता है, आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये डिपेंड करता है कि जल्दी आपका हो रहा है, ठीक है। तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन कम से इंतजार तो आपको करना ही है कि सेंड टू पीएमएस आपका हो जाएगा। और मैं एक चीज कह रहा हूं, जो बड़ी स्कीम्स है, जैसे मैंने सुना है अपडेट आए यहां पे, जो बड़ी स्कीम है यूजीसी एआईसीटी जो स्कीम है, सॉरी मैं यहां पे ऑल इंडिया काउंसिल की बात कर रहा हूं, पीजी प्रगति इंदिरा प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, इन बच्चों का जो रिन्यूअल स्कीम है उनका सेंड टू पीएमएस होना स्टार्ट हो चुका है। इनकी फॉर्म की डेट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है 17 जनवरी 2023। अगर आपका अभी तक सेंड टू पीएमएस नहीं हुआ, प्रगति स्कॉलरशिप बिलोंग करते हैं, तो उस दिन और वेट कीजिए, जल्दी आपका सेंड टू पीएमएस हो जाएगा, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 1-1.5 महीना पहले वेरीफाई कर चुका है। तो हाल ही में कुछ टाइम पहले वेरीफाई हो तो आपको टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना पहले हो चुका है, 45-50 दिन आपका हो चुका है, 40 दिन हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका 100% आपका सेंड टू पीएमएस आपका हो जाएगा। और पीएफएमएस पे आप यहाँ पे है रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है।